जितना भी सब्सक्राइबर है मेरा और जितना भी व्यूवर्स है, सभी को DCL संचय स्टूडियो की ओर से दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग जो जितना मेरा चैनल को व्यूज़ किया है, सब्सक्राइबर किया है, जिनके वजह से मेरा चैनल भी अभी मोनेटाइज हो चुका है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा चैनल भी अब धीरे धीरे अर्निंग करना शुरू करेगा। तो इसीलिए और एक बार दिल से मैं सभी को, मेरा जितना भी व्यूवर्स है, सभी को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। मूवी बनाया था 2007-8 का ही बीच का एक स्टोरी था, जो वो मूवी ऑलमोस्ट पूरा बन गया था, मूवी बन के कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसको एक फायर एक्सीडेंट हो के मेरा घर में जो जितना लैपटॉप वगैरह जितना मूवी था सब जल गया था। तो वो मूवी को तो अभी दोबारा नहीं बना सकेगा, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्ट उसमें हो चुका था। तो अगर दोबारा बनाएगा तो वैसे ही फिर दोबारा इन्वेस्ट करके बनाना पड़ेगा, तो इसलिए वो मूवी को बनाने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि उसको दोबारा बनाने के लिए बहुत तकलीफ़ हो जाएगा, बल्कि छोड़ दिए ना। तो उसका एक स्टोरी है, तो ये स्टोरी में ऐसे था कि, तो ये मूवी का स्टोरी को थोड़ा सा बता देगा आज हम, क्योंकि ऐसे ही बैठ बैठ के थोड़ा सोच सोच के वो मूवी का स्टोरी को याद आ गया था, क्योंकि हम लोग एक मूवी बना के देखा था और उसमें इतना पैसा भी इन्वेस्ट होने के बाद वो रिलीज़ नहीं हुआ है, तो थोड़ा ना थोड़ा तो याद आ ही जाता है। तो इसलिए हम वो स्टोरी को सोच के आज थोड़ा सा वो स्टोरी को ही बता देगा, क्योंकि मूवी को तो रिलीज़ नहीं कर पाया है, तो स्टोरी को होने से भी आज थोड़ा सा बता देगा। बोल के जब शुरू शुरू में जब निकलता है, एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन आता है, जो कि जिनके पास ब्लैक मनी हुआ करता था, तो उनको उनका पास इतना सारा रकम था कि कैश रकम था उनके पास, तो वो कैश रकम जो ब्लैक मनी था, तो उस ब्लैक मनी को उस बिजनेसमैन को कहीं और ट्रांसफ़र कराना था, कि जबकि हर तरफ पुलिस का नाकाबंदी था रास्ता में, तो वो पैसा को वो लेके ले जाने नहीं सक रहा था। तो इसके द्वारा वो जो क्या किए, वो बिजनेसमैन जो हम लोग का एक एजेंसी होता है, प्राइवेट एजेंसी, जो कि एक ख़ास करके एक स्पेशल फोर्स का जैसा एक एजेंसी हुआ करता था, पर प्राइवेट था। तो उसमें ऐसा ट्रेंड होता था कि एक कमांडो, पुलिस, आर्मी और ब्लैक कमांडो, जो जिस तरफ जैसा उनका जो ट्रेन होता था वैसे ही ट्रेनिंग दिया जाता था। तो वो वहाँ का जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, जो स्पेशल फोर्स था, वो इतना एक्सपर्ट ट्रेन किया हुआ था कि उसको रियल वाला जो कमांडो होता है उससे भी अच्छा ट्रेन किया हुआ, इतना स्पेशल फोर्स था। तो वो स्पेशल फोर्स को वो बिजनेसमैन जो ऑफिस में फ़ोन करता है, फ़ोन करके बात करता है, इसके बाद वो उनको मिलने बुलाता है, फिर वो अपना कार लेके हम लोग का एजेंसी के पास ऑफिस में आता है। तो हम लोग का एजेंसी में जो हाई कमांड का एक हाई कमांडो के लिए जो ऑफिसर के लिए जो रहा था, पुन्यो सांबो बोल के था, जो वो ऑफिस में रहा करता था, उनसे मिलने आके इसके बाद जो डील उल करके पेपर ऊपर बनाने के बाद, इसके बाद वो जो संभव जो हमको कमन करता है, ओके सर। फिर उसमें हॉकी टोकी से बात करता है, एक दूसरे को थोड़ा टचिंग में रहता है। इसके बाद वो जो हमको बोलते हैं कि एक नया काम आया है, जो कि बहुत थोड़ा रिस्की वाला है, तो ये काम को लेगा कि नहीं लेगा, हमको ऐसा पूछता है। तो हम बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, अरे हम ऐसे चीज़ के लिए तो तैयार हुआ है, और हम ये चीज़ कोई ख़तरों से खेलता है, और ये चीज़ के लिए ही हम बना हुआ है, तो हम ये चीज़ को नहीं करेगा तो किस चीज़ को करेगा बोल के, तो ये काम को ले लेते हैं। तो संभव जो हमको ये काम को बता देते हैं कि चलो ये करना है। तो इसके बाद टू थ्री वीक के बाद हम वो ऑफिसर के बाद लिंक करा के वो बात करते हैं, फिर हम अपने जीप गाड़ी लेके अपने कमांडो का साथ उसके प्राइवेट ऑफिस में चला जाता है। इसके बाद जब वो
प्राइवेट वाला जो जो ब्लैक मनी होता है, तो उस केस को हम लोग हैंडल करने के लिए एक ऑफिसर भी बनाया था, जो कि हम लोग का एक दुले फाई सर को, दुले फाई सर को एक एक बहुत एक बड़ा ऑफिसर के लिए उसको भी रखा था, कि जो बैंक एक मैनेजर होता है बहुत बड़ा, तो वो बैंक मैनेजर से वो ब्लैक मनी का केस हम लोग निकाल के ले जाते हैं। तो उसमें दुले फाई को एक ऑफिसर के लिए रखा था, बस ये एक मूवी है मूवी का अंदर में। तो इसके बाद वो दुले फाई का से हम लोग केस को उतारता है, तो इसके बाद वो दुले फाई का से हम लोग केस को उतारता है। ये शूटिंग भी दुले फाई का ऑफिस में ही हम लोग किया था। तो जीप गाड़ी में हम लोग केस को डालने के बाद उसको लेके जंगल निकलता है। जरा संभल कर, ये कोई मामूली रकम नहीं है। जंगल जैसे ही निकलते हैं, बहुत दूर जंगल जाने के बाद हम लोग, क्योंकि मेन रोड से नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसमें ब्लैक मनी बढ़ती होते हैं। तो वो समय में जंगल से हम लोग गाड़ी से जब निकल रहा था, तो वो समय में पहाड़ का ऊपर से कुछ ग्रेनेड ऐसे फेंकता है। तो ग्रेनेड फेंकने के वजह से हम लोग का जीप गाड़ी जो बम ब्लास्ट होता है, बम ब्लास्ट होने के बाद वो गाड़ी जो ऐसा रगड़ जाता है, जो कि ग्रेनेड फेंकने वाला जो पूरा बाबू बोल के है, तो पूरा बाबू जो ग्रेनेड फेंक देते हैं। इसके बाद पूरा बाबू के साथ लोध पगाम भी होता है, कॉमेडियन कॉमेडियन वाला वो विलन होता है। तो ग्रेनेड फेंकता है, इसके बाद शॉट गन से फायर करता है, AK-47 से फायर करता है, ऐसे करके फायरिंग होता है वहाँ से। तो इसके बाद उस फायरिंग में बहुत सारा गोली मारा मारी होता है, पूरा बीपिक्स का यूज़ करके एकदम पूरा एम्बूस होता है। हम तो ऐसे ब्यूस होके पूरा ब्लास्ट होने के बाद गाड़ी में ब्यूस होके अंदर में रहता है। इसके बाद उसमें मेरा ऑफिसर जो हमको उठाता है, हमको पूरा उठाने के लिए कोशिश करता है, फिर हम नहीं उठता है, पूरा धुआं धुआं सा ऐसे ब्लास्ट, आग जल रहा है, तो ऊपर से फायरिंग हो रहा है, एम्बूस हो रहा है, तो ऐसा होता है। तो उसी में वो मेरा चिप को जो मेरा बॉस होता है, उसका पाँव में गोली लगता है, पाँव में गोली लग के पूरा खून निकल रहा था, उसको तान के साइड में खींच रहा है एक तरफ से, फिर धनी रुपया जो वो जीप गाड़ी के पीछे साइड से AK-47 से पूरा गोली मार रहा है, और ऊपर से पूरा बाबू लॉर्ड पगंग और ये सांभियो, नहीं तब तक सांभियो का एंट्री नहीं होता है, तब तक ले उसका वो जो नीचे वाले जो पिल्ला बोलता है ना, छोटा छोटा गुंडा होता है, वो लोग होता है, वो लोग फायरिंग कर रहा होता है। पूरा फायरिंग करने के बाद पूरा फायरिंग होता है, इसके बाद मेरा जीप को गोली लगता है पाँव में, वो जीप में से होशलेस होके रहता है गोली लगने का कारण से। इसके बाद उसी में कागोताको को यहाँ पर गोली मारता है, यहाँ गोली मारता है, यहाँ से ब्लड निकलता है, वो ऐसा गिरता है। इसके बाद धनी रुपया को पेट में दो गोली लगता है, तो ऐसा हो के मेरा हम लोग का जितना आदमी है सबको मार देता है। इसके बाद वो पुण्यो सांभियो का एक अलग गाड़ी से एंट्री होता है, करके एंट्री होता है। इसके बाद उसका दरवाज़ा सड़क खुलता है, दरवाज़ा खोलने के बाद उसमें वो पुण्यो सांभियो का ऐसे नामने वाला को एंट्री निकालता है, चश्मा डालता है, चश्मा उतारता है, गन रीलोड करता है, तो ऐसे करके एंट्री होता है पुण्यो सांभियो का। इसके बाद उसी में जब पुण्यो सांभियो नए नामने से पहले पुण्यो सांभियो नए नामने से पहले दरवाज़ा को वो ये तादुबोकेन जब गाड़ी ऐसा एंट्री होता है उन लोगों का, जब पुण्यो सांभियो का गाड़ी ऐसा एंट्री होता है, गाड़ी एंट्री होने के बाद तादुबोकेन गाड़ी से उतरता है, उतरने के बाद वो ऐसा कुछ ड्रग्स लेता है थोड़ा सा, ड्रग्स लेने के बाद दरवाज़ा को क्रैंक करके खोलता है, खोलने के बाद और पुण्यो सांभियो का ऐसा एंट्री होता है, उसका चश्मा लगाता है, उसके गन को रीलोड करता है, फिर सामने जाता है और जो डेड बॉडी लास्ट मरा हुआ होता है उसके ऊपर एक दो फायर करता है, टांग टांग टांग, उसके बाद वो सामने आता है। इसके बाद पुण्यो सांभियो को ले जाके उनके सर में पिस्तौल गन रखता है, इसके बाद ठान देता है, उसका ब्रेन निकल जाता है। डीएफएक्स बहुत अच्छा यूज़ किया था इसमें, तो
पूरा ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो उसको वहाँ मार देते हैं। मारने के बाद जितना केस थे सारे केस को लेके उनके पास अलग गाड़ी था, उसमें सारे केस को ट्रांसफ़र करके इसके बाद गाड़ी में जितना केस होता है चेन को चैक करके खोलते हैं और केस को ऐसे देखते हैं। देखने के बाद सबको बताते हैं पूरे 50 करोड़ है, पूरे 50 करोड़, पूरे 50 करोड़, पूरे 50 करोड़, हम अमीर हो जाएगा बोल के इसके बाद उसमें वो लोग पूरा डांस करता है, गन को ऊपर फायर कर रहा है, शॉट गन से फायर कर रहा है, पिस्तौल से फायर कर रहा है। उसमें एक क्या गाना था हम भूल गए, एक गाना में वो लोग डांस करते हैं। इसके डांस करने के बाद वो गन उन लेके सबको डालने के बाद पैसा लेके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मैं होश आ जाता हूँ। उससे होश आने के बाद मैं देखता हूँ कि चारों तरफ मेरा जितना गार्ड्स था मरा पड़ा हुआ है, गन सब ऐसा बिखरा हुआ और बम ब्लास्ट के कारण साइड साइड में आग जल रहा है। तो ऐसा हो गया था। तो उधर से चक्कर आके धीरे धीरे होके मैं वहाँ से निकलता हूँ। तो गाड़ी को मैं जब ऐसे स्टार्ट करने करते तो ब्लास्ट होने के कारण से वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाते। तो उसी समय हम वहाँ से जंगल से पैडल होते हुए मैं दौड़ रहा होता हूँ। तो क्या होता है ये उसमें कागोता चंग बोल के उसको एक छोटा सा रोल दिया था, तो डिंपर आन्यो का भी इसमें एक छोटा सा रोल था। और कागोता चंग और डिंपर आन्यो जो इसमें एक यंग गर्ल्स और यंग बॉयज का रोल का किरदार कर रहा था, तो वो दोनों एक बाइक लेके आता है। बाइक लेके आने के बाद एक जंगल के साइड में बैठता है, दोनों रोमांटिक के बाद रोमांटिक की कुछ बातें कर रहा होता है कि कैसा कैसा एक दूसरे को बात कर रहा था। तो वो बाइक से उन्होंने चाबी नहीं निकाल के साइड में बैठा हुआ था। तो मैं जंगल से दौड़ते दौड़ते आते आते उसका बाइक को चुरा लेते हैं। और उस बाइक को चुराने के बाद मैं वहाँ से निकलने लगता हूँ फोर्ट स्पीड में। मेरा सर से ब्लड भी बह रहा है, तो ऐसा हो के मेरा ड्रेस भी पूरा एक ब्लैक कमांडो जैसा है, पूरा ब्लैक सूट था, देखने का लाइक था। इसके मैं बाइक लेके ऐसा उड़ा के जाता हूँ, पूरा उड़ा के जाता है। उड़ा के जाने के बाद जाते 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 उस जो पैसा मेरा चोरी किया है वो गाड़ी को हम बाइक लेके खेदा खेदा के पहुंच जाते हैं। तो वो गाड़ी जो ऐसे चला रहा है और मैं भी गाड़ी से वो गाड़ी का पीछे पीछे बाइक आता है। जैसे गाड़ी के सामने बाइक आता है वो गाड़ी ऐसे टेलता है, बाइक ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है। इसके बाद उनके पास तो जो गाड़ी वाला था जो पैसा लूट के ले गया उनके पास तो AK-47 था और पिस्तौल था, तो मेरा पास तो खाली हाथ है, मेरा पास सिर्फ एक चक्कू बच गया था। तो बाइक से उसको खेदा खेदा के जाते 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 उसमें खेदा खेदी होता होता है क्योंकि मेन हीरो है, जितना भी गोली फायरिंग करो मरेगा नहीं। तो AK-47 से गोली मारता है पता 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 और हम पीछे पीछे से बाइक से ऐसा होते होते इसका उसका पीछा करते हैं। इसके बाद लास्ट में जाके एक उनका बहुत बड़ा एक गोडाम होता है, वो गाड़ी वहाँ घुसता है। इसके बाद जैसे वो गाड़ी गोडाम के अंदर घुसता है वो गेट को ऐसा बंद करने लगता है। उसमें एक बहुत क्लाइमेक्स एकदम बढ़िया वाला था। तो उसमें जैसे वो गाड़ी उनका गाड़ी जैसे घुसता है उनके दो गार्ड गेट को ऐसे बंद करते हैं और मैं ऐसे स्लाइड होता हुआ वो गेट का वहाँ से बाइक से घुस जाते हैं। ऐसे स्लाइड होके घुसने के बाद उनका जो जो लोड पिगाम बोल के है वो फिर AK-47 उठा के हमको मारने के लिए कोशिश करता है। तो मैं बाइक से ऐसे उड़ के जाके उसका दो पाव ऐसा रहता है ना इंसान का, तो मैं बाइक को इसका पैर में ऐसा घुसा के उसका धक्का मार के वॉल में घुसा के उसका ऐसे उठा के पाँ करके बहुत ज़ोर से पूरा बाइक भी धुआं धुआं होकर उसके बाद उसको लोड पिगाम को वहाँ में मार देता है। उसको मारने के बाद फिर मैं बाइक को ऐसा घुमाता हूँ। तो जो बॉस जो जितना केस ले गया था वो केस को लेके जल्दी जल्दी घर का अंदर घुसाने के लिए कोशिश करता है। तो उसी में लोथ पगंग का गन्स को मेरा हाथ आ जाता है। तो उसमें थोड़ा फायरिंग होता है, फायरिंग होता है कि जो गाड़ी से उन लोग पैसा लूट के लाया था वो गाड़ी में हम इतना गोली मार देते कि स्पेशल BFX यूज़ करके वो गाड़ी को पूरा चल्ली कर देते हैं, पूरा पुट्टा पुट्टा कर देते हैं। पुट्टा पुट्टा होने के बाद उनके बॉस का पास तो गन रहता है, तो वो साइड में
एक वाल फोर्स का हवा में ऐसा चुपता है, उसके चुपने के बाद वो जैसे पुराना मूवीज में डायलॉग देता है वैसे कुछ कुछ डायलॉग होता है हम दोनों के बीच। कुछ कुछ डायलॉग होने के बाद लास्ट में वो जो वो बॉस जो थोड़ा बहुत थोड़ा आकुर वाला होता है जो भी बहुत एक कैसा बोलेगा ना, मतलब खुद को बहुत डेंजर है ऐसा सोचता है ऐसे। तो वो जो क्या किया है अपना गन को मेरा आगे ऐसे गिरा देते हैं, तो बोलते हैं कि इसके बाद हाथ ऊपर करके बाहर निकलते हैं। ऐसा निकलने के बाद वो चाहता है कि हम खाली हाथ फाइट करें जैसे मूवीज में अक्सर हुआ करता था ऐसे। तो ठीक है बोल के इसके बाद दोनों में फाइट होता है। वो पाइट जो एक्चुअली लास्ट पाइट होता है उसमें साइड में आग जलाया हुआ होता है थोड़ा सा। इसके बाद दोनों फाइट होता है, जो आग आग से हमको मारता है, जब मारता है तो आग से चिंगारी निकलता है ऐसा करके एपेक्स था। इसके बाद बड़ा बड़ा कुछ अलमारी ऐसे साइड साइड में था, तो अलमारी के ऊपर से ऐसे डाइव मार के गिर के हमको मारेगा। इसके बाद साइड में ड्रम वगैरह वल्टिंग भी बहुत सारे थे, उन सबको तोड़ना, तो ऐसा करके बहुत सारा क्योंकि ये एक एक्शन मूवी था तो इसमें बहुत सारा एक्शन था। जब वो ग्रेनेड होता है, ग्रेनेड का ट्रैप होता है, तो उसमें दानी रुबे जो पाव ऐसा रख के जैसा ही वो पाव उसमें रख देते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है पूरा वो जगह जो एक शमशान घाट की तरह ब्लास्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो ग्रेनेड ट्रैप के ऊपर में पाव रखता है तो मैं उसमें मेरा फास्ट एंट्री होता है, मैं उनका पैर को ऐसे हाथ पकड़ता हूँ और ऐसे फेंक देता है और दानी रुबे जो गिर जाता है। तो वो खड़ा होने के बाद बोलते हैं सॉरी सर बोलते हैं, तो उसको मैं चीखते चिल्लाते हुए गली देता है व्हाट सॉरी नॉट्स ब्लडी फूल, तुम किसी का मतलब या मिलिट्री से कम नहीं हो, इसको ऐसे गली देता हूँ। तो ऐसे करके था, तो ये मेरा मूवी का स्टोरी था। तो आपको कैसा लगा मेरा मूवी का स्टोरी जो कि बनते बनते